नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एचआर फार्मिंग ब्लॉग में। किसान भाइयों, ये देख सकते हैं हमारी गोभी हो गई है, ये वाली करीब एक महीने के आसपास लगाई हुई हो गई है और इसके अंदर हल्की हल्की गोभी के अंदर सुंडी आ गई है, लट आ गई है। इसको ख़त्म करने के लिए आज हम ये देख सकते हैं रिमोन, ये देखिए रिमोन दवाई का घोल बनाया हुआ हमने इसके अंदर से, और इसमें हम 5 ग्राम टंकी के हिसाब से डाल रहे हैं। इस प्रकार से 5 ग्राम टंकी की ओनली सिंगल रिमोन डाल रहे हैं, इससे काफ़ी तरह से कंट्रोल हो जाएगी। जो हमारी सुंडी है गोभी के अंदर है, हल्का फुल्का कोई जाला लगा हुआ मकड़ी है, वो रिमोन से ख़त्म हो जाएगा। आप इसके साथ साफ दवाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कच्चापन लाएगी गोभी के अंदर। तो हमने अकेली रिमोन इसमें डाली है क्योंकि अभी कच्चापन तो काफ़ी है, लेकिन इसके अंदर हल्की फुल्की कोई सुंडी का प्रकोप हमें दिख रहा है। तो पूरी ढोलकी के अंदर 5 ग्राम टंकी के हिसाब से हमने डाली है इसके अंदर, और आपको बताएं किस प्रकार से आपको छिड़काव करना है। छिड़काव करते वक्त हमेशा गोभी के अंदर नमी होनी चाहिए, और आगे दिखाएंगे कैसे आपको इसको फुहारा रखना है और कितने खत्ते फूल होते हैं, कितने खत्ते फूल एक साथ हम लेकर के छिड़काव कर सकते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से एक एक खत्ता लेकर के आपको इस प्रकार से चलना है। बिल्कुल एक सिंगल पुल जो होता है, एक खत्ता जो होता है उसी के हिसाब से बिल्कुल एक खत्ते में डालेंगे तो हमारा जो दवाई डाल रहे हैं वो भी बर्बाद नहीं होगी और बढ़िया अच्छे तरीके से। ये देखिए अभी आपको दिखा देते हैं पत्ते पत्ते पर, यहाँ पर भी देखिए तो मेडिसिन पड़ी है, यहाँ पर भी गई है, यहाँ पर भी गई है। तो इसके अंदर देखिए गोभी के अंदर हल्का फुल्का जाला लगा हुआ है, कोई सुंडी वगैरह का प्रकोप, ये दिखा देता हूँ। सुंडी अभी बिल्कुल छोटी छोटी है, शायद कैमरे में आपको नज़र ना आए, बिल्कुल छोटी छोटी अभी शुरुआत है उनकी। ये देखिए हल्की फुल्की शुरुआत है जो हमारे पत्ते को, गोभी को, गोब को, जो कोपल होती है उसको ख़त्म कर रहा है। तो इस रिमोन दवाई से हम इसके प्रकोप को यहीं पर ही रोक सकते हैं और हमारा जो हमारी गोभी है उसकी बढ़वार कर सकते हैं। बाद में हम इसका साफ का स्प्रे करेंगे जो कच्चापन भी लाएगी। अभी देखिए हम छिड़काव कैसे कर रहे हैं, एक खत्ते में एक बार ही फुहारा ले रहे हैं, और इससे क्या होगा, एक तो दवाई अच्छी तरीके से डलेगी पौधे के ऊपर, पत्ते पत्ते के ऊपर दवाई जाएगी। थोड़ा सा टाइम ज़रूर ज़्यादा लगता है, लेकिन दवाई का जो छिड़काव है पौधे के ऊपर अच्छे तरीके से जाता है, अच्छे तरीके से पड़ेगा तो लाजमी बात है वो अपना असर भी अच्छे तरीके से दिखाएगी, और सुंडी की जो रोकथाम है वो पहले ही असर में आपको बिल्कुल निजात दिला देगी सुंडी से। तो आप भी अगर छिड़काव करें तो ऐसे ही करना है, इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग हम बीमारी को नहीं तोल सकते, तो हमें एक एक करके ही डालना है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हमने सिर्फ रिमोन डाला है, रिमोन एक अच्छी दवाई है जो सुंडी के प्रकोप को रोकने के लिए अभी शुरुआत है। इसमें हल्का फुल्का गोब के अंदर, कोपल के अंदर जाला है उसको भी ख़त्म कर देगी, कोई भी यानी बीमारी इसके अंदर नहीं आने देगी।